नमस्कार, आप देख रहे हैं देश खबर टीवी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं बासी की खबर। सिद्धार्थनगर बासी आनंद पैलेस में सती चंद विश्व राष्ट्रीय महासचिव बीएससी सांसद राज्यसभा द्वारा प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की गई। संबोधन मुख्य अतिथि सती चंद मिश्र द्वारा कहा गया कि आज योगी सरकार ब्राह्मणों के ऊपर हुए अत्याचार एनकाउंटर को भूला नहीं जाएगा। आने वाले 2022 के चुनाव में ब्राह्मण समाज किसका जवाब देगी, साथ ही पंचायत चुनाव में भाजपा के नेताओं की गुंडागर्दी, महिलाओं का चीरहरण जैसी घटनाओं का अंजाम भाजपा नेताओं ने दिया है। इसके साथ अनुसूचित जाति के भी ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है और ताकि बहन की सरकार में शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता है और अपराधी या तो जेल में रहते हैं या जेल छोड़कर अन्य प्रदेशों में चले जाते हैं। आज जो बहुजन समाज के लोगों के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, 2022 में बहन की सरकार बनती है तो इसका मुंह तोड़ जवाब बहुजन समाज पार्टी के लोग देंगे। प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठी में मौजूद विनय शंकर तिवारी, विधायक चुल्लू पार, कमलेश मणि त्रिपाठी, राज्यसभा सांसद के गौतम मंडल, मुख्य जान इंचार्ज राम सूरत चौधरी, पूर्व विधान परिषद सदस्य लाल चंद निषाद, पूर्व विधायक भगवान दास, मंडल प्रभारी पट्टू राम आजाद, दिनेश चंद्र गौतम, राम नयन भारत लाल निषाद, जिलाध्यक्ष राजकुमार आर्य, विधानसभा अध्यक्ष बासी जय श्री प्रसाद, दिलीप कुमार एडवोकेट एवं समस्त बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। हमको खत्म करना चाहती है। देखिए, भाजपा ने धीरे धीरे सारे संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय उन्होंने उनको पैसा देना बंद कर दिया। सरकारी विद्यालयों की बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट थे उसमें तो बहन मायती जी ने 365 विद्यालयों का अनुदान दिया था, उसके बाद से आज तक नहीं मिला। इन्होंने उन सारे संस्कृत विद्यालय जो थे उनको एक एक करके बंद करने की योजना बनाते हुए आधे बंद हो गए। 1500 में से 700 विद्यालय रह गए और महाविद्यालय 500 थे उसमें से 200-250 रह गए, वो भी आगे 6 महीने में बंद हो जाएंगे। और उसमें कोई नियुक्ति नहीं हो रही, अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो रही। जब अध्यापक नहीं होंगे तो पढ़ने वाला कहाँ से होगा? तो जब पढ़ने वाले नहीं होंगे और पढ़ाने वाले वेद पाठ कहाँ से पढ़ेंगे? यही तो पढ़ते हैं, यही जिससे संस्कृति चलती है हमारी। तो जब वेद पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नहीं बचेंगे तो आगे चल करके जब ये लोग समाप्त हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे जो अभी हैं, तो सनातन धर्म ही समाप्त हो। सर, क्या बीएसपी में सेकंड जनरेशन की शुरुआत हो रही है? देखिए, बीएसपी जो है वो नौजवान 50% है। सेकंड जनरेशन में आप समझ रहे हैं, 50% जो है बहन मायती जी के निर्देशानुसार उन्होंने निर्देश दे रखा कि हर स्तर पर 50% जो है नौजवान लोग बीएसपी में रहेंगे और हैं। बीते पिछले 1.5-2 साल से कोरोना रहा, उसके पहले जहाँ जहाँ भी हुआ, चाहे रायबरेली हो चाहे और जगह हो, हर जगह हम लोग गए। हम लोगों ने हर जगह पहुँच करके और ब्राह्मणों की बात उठाने का काम करा है और आज भी उठा रहे हैं और अभी से नहीं उठा रहे हैं, 2003 से 2005 से उठा रहे हैं और उठा करके ब्राह्मण समाज आज इसीलिए आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी तरह से आज इकट्ठा हो गया है, एक साथ हो गया है। हम तो आज 72 जिले पूरे कर चुके हैं, 2 ही जिले और बचे हैं और जिस तरह से ब्राह्मण समाज हमारे साथ में इकट्ठा है उससे ये साबित हो रहा है कि 2007 से कहीं ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग सीटें जीत करके और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। अपने अकेले दम कितने बनाएंगे, इसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, यहाँ की जनता को छोड़ करके जनता के साथ गठबंधन जरूर कर रहे हैं, इसी के साथ।